गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट न्यूज और उनकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करते हुए ऑल सेलेक्ट कीजिए, पाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश PSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं, तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि क्या है यह बहुत ही अच्छा अपडेट। मित्रों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि सभी को ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त हो सके। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी सारी गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी। इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कराते हैं, वो भी एकदम आसान ट्रिक्स के साथ। मित्रों, आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पब्लिक कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये अपडेट। यहाँ पर दो अपडेट आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम क्या हैं ये दो अपडेट। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो है विज्ञप्ति आई हुई है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंटी एरिया इंदौर, इनकी तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है, दिनांक 29/6/2020। राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। आयोग द्वारा राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 सम्मिलित रूप से दिनांक 12/1/2020, जी हाँ 12 जनवरी 2020 को आपकी MPPSC प्री की एग्जाम ली गई थी 52 जिला मुख्यालयों में ये की गई थी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं के प्राप्तांक का स्कोर कार्ड आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in व www.mppsc.com पर दी गई लिंक से दिनांक 29/6/2020 मतलब 29 जून 2020 आज से दिनांक 29/9/2020 तक निशुल्क एवं देखिए आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और OMR सीट के लिए विज्ञापन अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान कर डाउनलोड कर सकते हैं। OMR सीट डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होने पर अभ्यर्थी स्वयं का प्रवेश पत्र संलग्न कर आयोग कार्यालय में ईमेल करे। ये ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप यहाँ से ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, पर आपको ईमेल करना है यदि OMR सीट आप डाउनलोड करना चाहते हैं और डाउनलोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो आयोग की वेबसाइट पर ईमेल करें, साथ ही साथ उन्हें अपनी समस्या भी बता दें कि क्या प्रॉब्लम जा रही है। मित्रों, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपके लिए ये जो जानकारी है ये महत्वपूर्ण रही है। इसके साथ साथ ये एक और अपडेट आया है कि यहाँ से आप स्टेट सर्विस एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्राइमरी एग्जामिनेशन 2019 डाउनलोड स्कोर कार्ड एंड OMR सीट, तो यहाँ से आप स्कोर कार्ड और जो है OMR सीट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमने क्लिक किया, यहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे यहाँ पर, इसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यदि रोल नंबर भूल गए हैं तो फॉरगेट रोल नंबर कर सकते हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, जो MPPSC आपने प्री दिया है उसके लिए है स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो मित्रों, आप इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे हिसाब से ये अपडेट आपके लिए बहुत ही बढ़िया है कि प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ा है, चूँकि मध्य प्रदेश जो PSC है वो थोड़ी कुछ कारणों से डिले हो गई थी। 2019 का PSC एग्ज़ाम था वो 2020 में लिया गया है, अब जल्दी ही 2020 का PSC एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो मित्रों उसकी तैयारी भी हमारे चैनल पर बिल्कुल ट्रिक्स के साथ कराई जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।